यह जानकारी और दूं, सावन के महीने में मालपुआ खीर का विशेष महत्व है। अपने आश्रम में सबसे हटके भंडारा है, कोई तो पूड़ी खिलाता है, कोई सब्जी खिलाता है, कोई हलवा खिलाता है, पर हमारे ठाकुर जी आप सबको प्रसाद में क्या खिलाने वाले हैं? मालपुआ खीर और सब्जी। हमारे ब्रज का ये प्रसिद्ध भंडारा भी है, और कहते हैं सावन के महीने तो कर्जा लेकर मालपुआ खीर बनावे और खीर मालपुआ खिलावे और खावे, ठीक है ना। और ये बहन बेटियों का त्योहार भी होता है, तो जो भी बहन बेटियां हैं वहां ठाकुर जी को अपना मायका समझ के वृंदावन में आवे। ठाकुर जी को कई लोग भाई मानते हैं ना, तो बहनें सभी जो ठाकुर जी को भाई मानती हैं वहां पधारें। यह भंडारा प्रातः 7 बजे से शुरू होगा, रात के 10 बजे अखंड चलेगा। तो जो भक्त मानभाव इस भंडारे में, अब मालपुआ में क्या लगता है? आटा, यह आटे का नहीं है। अब इसमें डलेगा मावा, इसमें डलेगा दही, और इसमें डलेंगे मेवा, ठीक है। मालपुआ, माल का मतलब ये मालपुरा और मालपुआ, यहां मालपुरा है और हमारे ब्रज में मालपुआ है, ठीक है। तो वहां आप वस्तु भी दे सकेंगे, आटा, मेवा, दही, दूध। और एक और विशेषता रहेगी भंडारे की, ये रिफाइंड में नहीं बनेगा भैया, ये देसी घी में माल बनने वाला है, माल छनने वाला है, देसी घी में बनेगा। एक टीन तुम्हारी तरफ से, देखो हमारे राधे जो हमारे संगीत टीम के लीडर हैं, मैंने इनकी ओर इशारा किया, इन्होंने कहा एक टीन मेरी तरफ से, जोरदार ताली पहले इन्हीं के लिए, क्यों इनका नाम भी राधे है और इन्हीं के लिए भूल गया, देख लो। हमारे संगीत वाली टीम भी सब सहयोग यथा श्रद्धा करे, क्योंकि सबका साथ होने पर ही कल्याण संभव है ना। तो आप यथा श्रद्धा, और सब्जी जो बनेगी वो सभी मिक्स वेज बनेगी। आपके मिक्स वेज खाते हैं तो खाई नहीं जाती, पर आप हमारे वृंदावन की, जिसे हमारे यहां कहते हैं गड्ढ की सब्जी, आप जब एक बार चख लेंगे तो प्रसाद के साथ में उंगलियां भी काटोगे, ठीक है। मालपुआ में डलेगा माल, यमुना का जल होगा, देखो उसमें ब्रजवासी बनाएंगे गड्ढ की सब्जी, आप सब भक्त लोग अमनिया करेंगे, और ब्रजवासी भक्त संतजन उसे बनाएंगे, और फिर आप सब आने वाले भक्त प्रसाद पाएंगे। मेरा तो पूरा विश्वास है कि आप प्रसाद ग्रहण करके और सेवा करके निहाल और मालो माल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। तो एक महीने का भंडारा, जो भी भक्त मान भाव इस भंडारे में 1.25 किलो आटे से लेकर 1.25 रुपए से लेकर, जो आपकी श्रद्धा है, यहां वाले लोग या जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं या सुनेंगे, उस भंडारे में आप लोग सहयोग देकर उस भंडारे में सहभागी बन सकते हैं।